तो अब हम आ गए हैं ब्रह्म सरोवर की तरफ, अंदर जाके देखते हैं कैसा है। ड्रोन भी फ्लाई करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ परमिशन मिल जाए तो चलें। चलो गोल गोल घूमो। तो अब हम आ गए हैं ब्रह्म सरोवर पे, और ब्रह्म सरोवर पे आके देखिए रथ श्री कृष्ण जी को लेके जा रहे हैं। इसके कंप्लीट राउंड मैं आपको देता हूँ, लेट्स गो।
किलोमीटर दूर है जो सरस्वती किनारे पर जो है ना बसा हुआ है। वहाँ पर जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो वहाँ पर पांडवों ने अपने जो पितर थे उनके उनका पिंड दान वहीं पर किया था। ये वो स्थान है पेहवा के अंदर, और यहाँ पर साल में दो बार मेला लगता है। काफ़ी संख्या में लोग अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए भारी संख्या में वहाँ पर आते हैं। ठीक है, चैत में और एक माँ चैत की चैत में तो है एक और मिला हुआ उठा दो लगा जैसे फल्गु का लगा ना। हाँ हाँ, फल्गु में फल गांव के अंदर फल्गु का मेला लगता है जो कनकतों की सुवारी मॉस्को। वहाँ पर जो गांव फल है कुरुक्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर के करीब, वहाँ पर जो कनागत आते हैं उनमें सुवारी मॉस आती है जब वहाँ पर, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है और वहाँ पर भी लोग जो है ना अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। जैसा पिंड दान गया के अंदर करते हैं लोग, वैसा ही फल जो है ना फल्गु तीर्थ के अंदर पिंड दान करने से लोगों को फल मिलता है।